और छिंदवाड़ा में प्रदीप मिश्रा की 5 दिवसीय कथा का आज समापन हुआ। इस आयोजन को राजनीतिक बनाने पर प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ से कहा कि किसी को इस 5 दिन की कथा में अगर कहीं भी राजनीति नजर आए तो हमें बताना। इस दौरान प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी मंच पर मौजूद थे। कमलनाथ ने प्रदीप मिश्रा का धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके आने से छिंदवाड़ा वासियों को कथा सुनने का सौभाग्य तो मिला ही है, लेकिन आज पूरे देश में छिंदवाड़ा का नाम भी पहुंच रहा है। जिसने कभी छिंदवाड़ा का नाम भी नहीं सुना होगा, उसने आज इस कथा के माध्यम से छिंदवाड़ा को जान लिया है। प्रदीप मिश्रा से बार बार छिंदवाड़ा आने का निवेदन कमलनाथ ने किया। ये कथा राजनीति की, हमने कहा कहीं तो राजनीति नजर आ जाए 5 दिन में, तो हमको जरूर बताना कि राजनीति जो व्यक्ति कथा लेने के लिए उनको ला सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के लिए बार बार फोन लगा सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के रसत्व को पाने के लिए इस चंदन नगर के लिए क्षेत्रवासियों के लिए कथा ला सकते हैं, उनको राजनीति के लिए केवल के धर्म का मंच नहीं और भी मंच प्राप्त हो सकता। आज और महान बना है आपने छिंदवाड़ा को और महान बनाया है। जो आपकी आवाज सुन रहा है, आपकी कथा सुन रहा है देश भर में, जिसने कभी शायद छिंदवाड़ा का नाम भी नहीं सुना हो, आज वो छिंदवाड़ा मशहूर है।